हे नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक और यूजफुल वीडियो के साथ। मेरा नाम है अनिल और आप सभी देख रहे हैं टेकचिप यूट्यूब चैनल। तो आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने मोस्ट सिक्योर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्यूब्स ओएस के बारे में बताया था, जिसमें आप सभी ने इसके इंस्टॉलेशन की वीडियो की डिमांड की थी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको क्यूब्स ओएस को आसानी से पेन ड्राइव या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क या एसएसडी में इंस्टॉल करना बताऊंगा। तो बिना समय गवाए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट के बारे में जान लेते हैं कि हमें इसको इंस्टॉल करने के लिए और इसको यूज़ करने के लिए कौन कौन से हार्डवेयर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक पेन ड्राइव, जिसका यूज़ हम इंस्टॉलेशन मीडिया के तौर पर करेंगे, जो कि 8GB की ही होनी चाहिए। यदि आप 8GB से बड़ी पेन ड्राइव का यूज़ करते हैं तो बूटिंग प्रोसेस में इशू आ सकता है। यदि आपके पास 8GB से बड़ी पेन ड्राइव है तो आप उसमें 8GB से कम का पार्टीशन क्रिएट करके उसमें ISO इमेज को ऐड कर सकते हैं। ये मेरे पास 8GB की ही पेन ड्राइव है, मैं यहाँ पर इसी का यूज़ करूँगा। दूसरा, एक एक्सटर्नल SSD या पेन ड्राइव, जिसमें हम क्यूब्स ओएस को इंस्टॉल करेंगे। ये 32GB से ऊपर ही होनी चाहिए, क्योंकि इतना साइज तो क्यूब्स ओएस को इंस्टॉल करने के लिए ही चाहिएगा। मैं यहाँ पर ये SSD का यूज़ कर रहा हूँ। वैसे है तो ये इंटरनल SSD, पर मैं यहाँ पर इसको कन्वर्टर के द्वारा इसको एक्सटर्नल SSD के तौर पर यूज़ करूँगा। यदि आप इसको लेना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। बाकी क्यूब्स ओएस को आप जिस भी सिस्टम पर यूज़ करेंगे उसमें कम से कम 8GB की रैम होनी चाहिए। वैसे काम 4GB की रैम से भी चल जाएगा, पर ये वहाँ पर काफ़ी स्लो काम करेगा। और CPU में भी वर्चुअलाइजेशन का सपोर्ट होना चाहिए, जिसको आप BIOS सेटिंग पर जाकर इनेबल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर AMD का Ryzen 5 CPU और 8GB रैम वाला ASUS का लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ। और यदि आप UEFI इनेबल लैपटॉप या डेस्कटॉप का यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ सकता है, जो कि मैं आपको आगे वीडियो में बताता रहूँगा। तो सबसे पहले हम क्यूब्स ओएस की ISO इमेज को डाउनलोड करेंगे और इसको अपनी पेन ड्राइव के अंदर राइट करेंगे। फिर इसके बाद हम इस पेन ड्राइव से अपनी एक्सटर्नल SSD के अंदर क्यूब्स ओएस को इंस्टॉल करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्यूब्स ओएस की ऑफिशियल वेबसाइट को अपने ब्राउजर पर ओपन कर लीजिए। आप यहां से क्यूब्स ओएस के लेटेस्ट वर्जन की ISO इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं या टोरेंट के द्वारा डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको टोरेंट के द्वारा ही डाउनलोड करें, क्योंकि ये करीब 5GB की इमेज है। बाकी आपको यहाँ पर इसके और भी वर्जन मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर क्यूब्स ओएस की लाइव USB की इमेज भी मिल जाएगी, जिसकी मदद से आप क्यूब्स ओएस का लाइव यूज़ कर सकते हैं। पर मैं इसको यहाँ पर स्थायी तौर पर अपनी SSD के अंदर इंस्टॉल करूँगा। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने इस इमेज को पहले से ही डाउनलोड किया हुआ है। फिर हमें इस इमेज को अपनी 8GB की पेन ड्राइव में ऐड करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी रूफस सॉफ्टवेयर की। आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर आपको विंडोज़ के लिए मिल जाएगा। यदि आप लिनक्स या मैक यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ पर HR सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर सकते हैं, पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप HR की बजाय DD कमांड का यूज़ करें। तो यहाँ पर मैं विंडोज़ का यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने रूफस को पहले से अपने सिस्टम पर इंस्टॉल किया हुआ है। और क्यूब्स ओएस की इमेज को भी मैंने डाउनलोड किया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये करीब 4.84GB की ISO इमेज है। तो अभी हम यहाँ पर रूफस को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अपनी डिवाइस सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने अपनी पेन ड्राइव को सेलेक्ट कर लिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरी पेन ड्राइव का साइज 8GB का है। उसके बाद हम अपनी ISO इमेज को सेलेक्ट करेंगे। आप इसको यहाँ पर सिंपल से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ पर सारे ऑप्शंस को डिफॉल्ट रख सकते हैं और उसके बाद आप सीधे क्लिक कर दीजिए स्टार्ट पर। तो जब आप रूफस को पहली बार स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेगा। आप इसको यहाँ पर यस कर दीजिए तो यहाँ पर ये डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर मोड सेलेक्ट कीजिए कि आप यहाँ पर ISO इमेज को कैसे ऐड करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर चूज़ कीजिए DD इमेज मोड का। यहाँ पर ये इसी पर सही तरह से वर्क करेगा। इसके बाद इसको ओके कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको वार्निंग देगा कि आपके पेन ड्राइव के अंदर जो भी डेटा है वो यहाँ पर इरेज हो जाएगा। तो आप इसको यहाँ पर ओके कर दीजिए। मैंने यहाँ पर इसकी ISO इमेज को पहले से अपने पेन ड्राइव के अंदर ऐड किया हुआ है, तो इसको यहाँ पर मैं कैंसिल कर देता हूँ, जिससे कि हमारे समय की बचत होगी। जब ये ISO इमेज आपके पेन ड्राइव के अंदर राइट हो जाए, उसके बाद आप इस पेन ड्राइव से अपने सिस्टम को बूट करा लीजिए। इसके साथ साथ आप अपने SSD, हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव, जिसमें भी आप क्यूब्स ओएस को इंस्टॉल करना चाहते हैं, उसको भी अपने सिस्टम से कनेक्ट कर लीजिए। अब इसके बाद हम इसको अपनी पेन ड्राइव से बूट कराएंगे, जिसमें हमने क्यूब्स ओएस की ISO इमेज को ऐड किया हुआ है। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बूट मेनू आ चुका है। अभी मैं इसको अपनी पेन ड्राइव से बूट कराऊंगा। यदि आपके सिस्टम के अंदर UEFI मोड इनेबल है तो यहाँ पर क्यूब्स ओएस का बूट मेनू नहीं आएगा, यहाँ पर इसका डायरेक्ट ही इंस्टॉलर ओपन हो जाएगा। लेगेसी मोड में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। आप देख सकते हैं अभी ये हमारी पेन ड्राइव से बूट हो रहा है और यहाँ पर ये इंस्टॉलर को स्टार्ट कर रहा है। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभी यहाँ पर क्यूब्स ओएस का इंस्टॉलर ओपन हो चुका है। अभी हम इसको अपने हिसाब से इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए कि आप यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज का यूज़ करना चाहते हैं। आपको यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश के अलावा और भी कई तरह की लैंग्वेज मिल जाती हैं, तो आप जैसे भी लैंग्वेज का यूज़ करना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँगा इंग्लिश को, और इंग्लिश के अंदर मैंने ले लिया इंग्लिश इंडिया। इसको कंटिन्यू कीजिए तो ये आपके लैंग्वेज के हिसाब से आपकी लोकलाइजेशन सेटिंग को ऑटोमेटिक ही कॉन्फिगर कर देगा।
आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कीबोर्ड, लैंग्वेज, टाइम जोन, डेट टाइम सब ऑटोमेटिक ही सेट हो चुका है। यदि आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको मैनुअली चेंज भी कर सकते हैं। इसके लिए आप इस पर क्लिक कर दीजिए और इसको आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ से क्यूब्स ओएस का सॉफ्टवेयर सिलेक्शन भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पर कौन कौन से टेम्पलेट का यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि डेबियन 10, ओनिक्स आदि। यदि आप यहाँ पर और लैंग्वेजेस को ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। आप यहाँ पर अपने हिसाब से एडिशनल लैंग्वेजेस को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन कि हम क्यूब्स ओएस को कौन सी ड्राइव पर इंस्टॉल करना चाहते हैं, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है, आपको यहाँ पर काफ़ी सावधानी बरतनी होगी। यदि आपने यहाँ पर गलत डिस्क सेलेक्ट कर ली तो आपका यहाँ पर लैपटॉप या आपके डेस्कटॉप का पूरा डाटा इरेज हो सकता है, तो आपको यहाँ पर काफ़ी सावधानी बरतनी है। आपको यहाँ पर केवल वही डिस्क सेलेक्ट करनी है जिसमें आप क्यूब्स ओएस को इंस्टॉल करना चाहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दो डिस्क आ रही हैं, एक मेरे लैपटॉप की ड्राइव है और दूसरी हमारी एक्सटर्नल एसएसडी है। तो आप यहाँ पर केयरफुली अपने एक्सटर्नल एसएसडी, हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव को सेलेक्ट कर लीजिए जिसमें भी आप क्यूब्स ओएस को इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है। आपको एक बात का और ध्यान रखना है, यहाँ पर यह टिक मार्क केवल उसी ड्राइव पर होना चाहिए जिस पर आप क्यूब्स ओएस को इंस्टॉल करना चाहते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर अदर स्टोरेज ऑप्शन को सेट कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर पार्टीशंस को ऑटोमेटिक कॉन्फिगर करना चाहते हैं या आप इसको मैनुअली कॉन्फिगर करना चाहते हैं। यदि आप इसको अपने हिसाब से कॉन्फिगर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यह ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, पर मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप इसको ऑटोमेटिक ही कॉन्फिगर करें। इसके अलावा यदि आप एडिशनल डिस्क स्पेस बनाना चाहते हैं तो आप इस चेकबॉक्स को टिक कर सकते हैं, फिर यहाँ पर ये सी के हिसाब से पार्टीशन करेगा। इसके अलावा यदि आप अपने ओएस और अपने डेटा को इंक्रिप्ट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर इंक्रिप्शन का फीचर भी मिलता है, तो आप इसको भी यहाँ पर इनेबल कर दीजिए। ये सब सेट करने के बाद क्लिक कर दीजिए डन बटन पर। फिर आपसे ये डिस्क इंक्रिप्शन के लिए पासवर्ड पूछेगा, तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट कर दीजिए। अपने पासवर्ड को वेरीफाई भी करा लीजिए और क्लिक कर दीजिए सेव बटन पर। फिर इसके बाद ये फ्री स्पेस के लिए पूछेगा। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इसके लिए कम से कम 32 GB की फ्री स्पेस चाहिए, 27 GB तो इसके लिए खुद के लिए चाहिए और 5 GB स्वैप पार्टीशन के लिए। तो स्पेस को फ्री करने के लिए क्लिक कीजिए रीक्लेम स्पेस पर, और यहाँ पर आपके डिस्क के अंदर जितने भी पार्टीशंस हैं आप उनको यहाँ पर डिलीट कर दीजिए। इसके लिए क्लिक कर दीजिए डिलीट ऑल पर, और उसके बाद क्लिक कीजिए रीक्लेम स्पेस पर। तो आपके यहाँ पर इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन सेट हो जाएगी। फिर यहाँ पर इसको अपने हिसाब से कॉन्फिगर कर लेगा, यहाँ पर सारे पार्टीशंस ऑटोमेटिक ही क्रिएट हो जाएंगे। फिर आप उसके बाद यहाँ पर इंस्टॉलेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। आप इसके साथ साथ अपने यूज़र की सेटिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर रूट यूज़र को इनेबल करके यहाँ पर इसका पासवर्ड सेट कर सकते हैं, पर मैं इसको यहाँ पर लॉक ही रहने देता हूँ। इसके अलावा आप यहाँ पर अपना एडमिन यूज़र भी बना सकते हैं, आप जिस नाम से भी यूज़र बनाना चाहते हैं वो आप नाम यहाँ पर टाइप कर दीजिए, उसका पासवर्ड यहाँ पर सेट कर दीजिए, उसके बाद क्लिक कर दीजिए डन पर। तो यहाँ पर आपका यूज़र कॉन्फ़िगर हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्यूब्स ओएस मेरी एसएसडी के अंदर इंस्टॉल हो रहा है, तो इसको इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके बाद हम क्यूब्स ओएस की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंस्टॉलेशन कम्प्लीट हो चुकी है। अभी हम इसको यहाँ पर रीबूट करेंगे। अभी मैं इसको अपनी एक्सटर्नल एसएसडी के द्वारा बूट कराऊंगा। अभी आप अपनी 8 GB वाली पेन ड्राइव को अनप्लग कर सकते हैं, अभी यहाँ पर इसका कोई भी काम नहीं है। तो यहाँ पर मैंने इसको अपनी एसएसडी से बूट करा लिया है। तो अभी आपको यहाँ पर अपनी डिस्क का पासवर्ड डालना पड़ेगा, जो भी आपने पासवर्ड वहाँ पर सेट किया था वो आप पासवर्ड यहाँ पर डाल दीजिए, आप उसके बाद ही यहाँ पर आगे बढ़ पाएंगे। तो आप इसको जब भी बूट कराएंगे आपको ये पासवर्ड यहाँ पर हर बार डालना पड़ेगा। आप इस पासवर्ड को संभाल कर रखें, वरना आप अपनी डिस्क को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ये आपको वापस से ही फॉर्मेट करना पड़ जाएगा। तो अभी यहाँ पर इसकी कॉन्फ़िगरेशन विंडो आ चुकी है, अभी हम इसको अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर अलग ऑप्शन मिल जाते हैं जिनको आप अपने हिसाब से टिक कर सकते हैं। यदि आप एडवांस यूज़र हैं, ये सारी कॉन्फ़िगरेशन आप अपने आप ही कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर इस चेकबॉक्स पर क्लिक कर सकते हैं डू नॉट कॉन्फ़िगर एनीथिंग, फिर यहाँ पर कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं होगा, फिर आपको सारा कुछ मैनुअली कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। आपको सारी क्यूब्स, गेटवे आदि मैनुअली कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे। तो यदि आप नए यूज़र हैं, क्यूब्स ओएस को पहली बार इंस्टॉल कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर इन चेकबॉक्स को जरूर टिक कर लीजिए। ये सब यहाँ पर ऑटोमेटिक ही कॉन्फ़िगर हो जाएगा। यहाँ पर सारे सिस्टम्स और एप्लीकेशन क्यूब्स ऑटोमेटिक ही क्रिएट हो जाएंगे, ओनिक्स का गेटवे क्रिएट हो जाएगा। तो आप इन चेकबॉक्स को यहाँ पर टिक कर लीजिए। कई सिस्टम्स के अंदर इस वाले ऑप्शन से प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप इस वाले चेकबॉक्स को अनटिक कर सकते हैं। आप इसको बाद में मैनुअली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और उसके बाद क्लिक कर दीजिए डन पर। उसके बाद यहाँ पर क्यूब्स ओएस का कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस में करीब 15 से 20 मिनट लग सकते हैं। आपको ये पूरी प्रोसेस होने तक का वेट करना है। कुछ टाइम बाद हो सकता है ये जो एनिमेशन चल रहा है ये रुक जाए, ये यहाँ पर हैंग हो जाए, पर आपको इसको बंद नहीं करना है। ये प्रोसेस बैकग्राउंड में चल रही है, तो जब तक ये कम्प्लीट नहीं हो जाता आपको इसको बंद नहीं करना है। इसमें करीब 20 से 25 मिनट लग सकते हैं, ये डिपेंड करेगा आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस के ऊपर। उसके बाद यहाँ पर ये प्रोसेस जैसे ही कम्प्लीट होगी तो यहाँ पर लॉगिन स्क्रीन आ जाएगी।
फिर आप यहाँ पर क्यूब्स ओएस का यूज़ कर पाएंगे। तो अभी यहाँ पर मैं वीडियो रिकॉर्डिंग को पॉज कर देता हूँ और ये प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट होगी हम वापस से रिज्यूम करेंगे। और ये देखिए दोस्तों, ये प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अभी यहाँ पर ये लॉगिन के लिए पूछ रहा है, तो आपने वहाँ पर जो भी यूज़र नेम और उसका पासवर्ड सेट किया था आप उससे यहाँ पर लॉगिन हो जाइए। तो यहाँ पर मैं अभी लॉगिन हो चुका हूँ, अभी हम यहाँ पर क्यूब्स ओएस का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको अपने वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट कर लेता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर वाईफाई काम कर रहा है और यहाँ पर मेरा वाईफाई आ रहा है। मैं इससे यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ। मैंने इसका यहाँ पर पासवर्ड सेट कर दिया और अभी आप देख सकते हैं ये यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है। फिर आप इसके बाद यहाँ पर इंटरनेट का यूज़ कर पाएंगे। अभी आप क्यूब्स ओएस को अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। ये इसका मेन टर्मिनल है, यहाँ से आप सारे कमांड्स लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको क्यूब्स ओएस को कॉन्फिगर करने के लिए कई सारे सिस्टम टूल्स मिल जाते हैं, जिनकी मदद से आप क्यूब्स ओएस को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, उसको कॉन्फिगर कर सकते हैं या उसको अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर कई सारे टूल्स मिल जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर अपने डिस्प्ले की सेटिंग कर सकते हैं, अपने वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं, इसका लुक एंड फील चेंज कर सकते हैं, आइकन सेट कर सकते हैं। तो ऐसे आपको यहाँ पर कई सारी सेटिंग्स मिल जाएंगी जिनकी मदद से आप क्यूब्स ओएस को अपने हिसाब से कॉन्फिगर कर पाएंगे। आप यहाँ पर पैकेजेस को अपडेट कर सकते हैं या अपनी क्यूब्स को अपडेट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर क्यूब्स मैनेजर भी मिल जाता है, जिसकी मदद से आप यहाँ पर क्यूब्स को मैनेज कर सकते हैं, उनको स्टार्ट कर सकते हैं, उनको स्टॉप कर सकते हैं या उनको डिलीट कर सकते हैं, उनका क्लोन बना सकते हैं या उनकी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। आपके सिस्टम पर जितने भी क्यूब्स रन हो रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। आप इन क्यूब्स को यहाँ से शट डाउन कर सकते हैं, उनको पॉज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर क्यूब्स ओएस को अपनी पेन ड्राइव, अपनी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क या SSD में इंस्टॉल कर सकते हैं। यदि आपको इसमें UEFI से लेकर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इस पेज को विजिट कर सकते हैं, यहाँ से आप अपनी प्रॉब्लम का सलूशन प्राप्त कर सकते हैं। और यदि फिर भी आपके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो आप कमेंट में अपनी प्रॉब्लम जरूर बताइएगा। यदि सभी की सेम प्रॉब्लम रहेगी तो मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो बताइए दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रखिएगा ताकि यहाँ पर मेरी कोई भी नई वीडियो आए वो मिस ना हो पाए। तो अभी के लिए मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगा, जल्दी ही मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के अंदर। वीडियो को ज़्यादा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।